हेलो एवरीवन, सबसे पहले मेरे बड़ों को मेरा पहला को छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। मैं सौरा रोशन कोहली स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरा कोहली ब्लॉग्स में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी 6 बजे से। अभी जस्ट उठ रखी हूँ और दीदी ने चाय वाय बना रखी थी, चाय वाय पी है। आज का मौसम जो है, कल रात बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, हमारे तो सारे कपड़े वकड़े सब भारी थे। शाम को मौसम ख़राब होने का कुछ लग ही नहीं रहा था, आसमान में एकदम साफ हो रहा था, आसमान तारे लगे थे। फिर रात में अचानक से कई बारिश हो गई, तो मेन सामान मुझे तो पता नहीं चला बारिश हो गई। दीदी ने मेन सामान उठाया, लकड़ियाँ और थोड़े से दाले वाले डाल रखी थी बाहर पे, थी भारी थी तो वो सब उठाई। और बाकी कपड़े वहाँ पे पीछे देख सकते हैं, कपड़े पे सारे भीग गए क्योंकि इतना सब उठाने का दीदी को टाइम ही नहीं मिला, बल्कि एकदम से कई ज़्यादा आ गई। अब सुबह जल्दी उठ गए क्योंकि आजकल वैसे भी सब जगह काम ही हो रहा है। मम्मी लोगों का खेत में जाके सब्जी वब्जा लगाने उगाने वाला काम हो रहा है, धान आन बोने वाला काम हो रहा है, और फिर मेरा भी घर में काम हो ही जाता है, फिर सानास भी ठहरा। तो इसीलिए मम्मी और दीदी इनको सुबह समझा के गए थे कि तुमने ये काम करना है, ये काम करना है, चाची अकेली है तो तुम सब ने मिलकर हेल्प करना है। तो ये सब लोग जल्दी उठ के मेरी हेल्प करने लग गए हैं। अक्कू झाड़ू लगा रहा है और अश्रु कमरों की सफाई कर रहा है, उसके बाद फिर बर्तन तो धोने वाला है। तो अभी मैं आ गई किचन में क्योंकि मैंने नाश्ता बनाना है। मम्मी और दीदी लोग भी क्या पता कुछ टाइम बाद आ जाए, क्योंकि वैसे तो वो एक बाल्टी भर के पौधे लेके गए हैं मिर्च के, पर क्या पता जल्दी दो लोग भी गए, फिर क्या पता जल्दी लगा के आ जाए। तो मैंने नाश्ता भी बनाना है और इतने सारे बर्तन भी हैं धोने के लिए, आधे यहाँ हैं आधे बाथरूम में बर्तन रखे हैं धोने के लिए। तो ये लोग तो चलो ये काम आज हो जाएगा। अश्मी और अर्शु बर्तन धोने वाले हैं, मैंने बच्चों के स्कूल के कपड़े धोने हैं और नाश्ता बनाना है। तो नाश्ता वास्ता बना लेती हूँ, फिर उसके बाद बाकी का काम करते हैं। नाश्ता बनाने से पहले मैं इनके कपड़े सर्फ में भिगो देती हूँ, क्योंकि फिर मेरे नाश्ता वास्ता बनाने तक इनके सारे स्कूल के कपड़े जो हैं वो अच्छे से भीग जाएंगे सर्फ वाले पानी में, फिर उसके बाद मैं उनको आराम से फिर ब्रश लगा के धो सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं कपड़ों को वो कर देती हूँ, भिगो देती हूँ। अक्कू इधर आओ, तो अंदर कौन कौन से कपड़े धोने हैं? मुझे तो इनके स्कूल के कपड़ों का कोई आइडिया भी नहीं है। सॉरी, मतलब इसका नाम अक्कू है, ये मुझे चुपके से बोल रहा है। इसका नाम है आरव, घर में आरव, और स्कूल में इसका नाम है अक्षत, लेकिन ये मुझे बोल रहा है कि मुझे वीडियो में अक्कू मत बोलो क्योंकि इसके दोस्त लोग या इसके पहचान के भी इसको अगर मेरा व्लॉग देखेंगे तो वो जान जाएंगे कि इसका नाम अक्कू भी है घर में। तो ये बोल रहा है कि मुझे चिढ़ाएंगे अक्कू नाम से, तो इसलिए अक्कू मत बोलो, अक्षत या आरव बोलो। ओके, कोई मत बोलना ठीक है। अगर इसके दोस्त लोग अगर कोई मेरा व्लॉग देखते हैं तो इसको आरव ही बुलाना या अक्षत ही बुलाना, इसको अक्कू मत बुलाना, मैं तो ऐसे ही मजाक में बुला रही थी इसको। तो मैं इसको मार्केट से कल खरीद के लाई थी, दूसरा चले गया। इसकी वाइट वाली शर्ट तो लास्ट में तो मुझे इसको अलग से करूंगी, बाकी कपड़े भिगो देती हूँ। सर्फ का दूसरा चले गया मुंह में। अभी जब तक सारा सोया है तब तक सारा काम कर लेते हैं, नहीं तो फिर वो उठ गया तो फिर वो ऐसे ही काम नहीं करने देता है। फिर ये तो कल रात भी वो अच्छे से सो ही नहीं पाया, पता नहीं कल रात में उसको क्या हो गया था। शाम को उसने अच्छे से खाना भी नहीं खाया था, दूध दूध कुछ पिया था, वैसे सो गया था। फिर रात में कई परेशान कर रहा था, फिर उठने के बाद कई रोने में था, करीबन 12-1 बजे के टाइम पर कई ज़्यादा रोने में था। सारा उसकी नींद भी खुल गई है, दिखाओ तो उसको। गुड मॉर्निंग बाबू, दिखाना।
मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग। देखो ये अभी यहाँ के नल पे थोड़ा सा आ रहा है पानी, थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है। मतलब ऐसे भी आता तो थोड़ा काम चल जाता, थोड़ा जमा भर भर के भी कपड़े भी धुल जाते और बर्तन भी धुल जाते, पर ये कुछ टाइम तक ही रहेगा अभी, फिर उसके बाद फिर ये भी बंद हो जाता है। फिर शायद दिन तक आता है पानी, जब सब लोग अपने नल वल बंद करते हैं और खेतों में जिसने पानी लगाया वो सब बंद करता है, तो फिर नलों में आता है पानी, तो फिर ही हमारा कुछ काम हो पाता है, पानी वाला जो भी काम होता है। और कोई कुछ कुछ चीज़ें होती है जो पानी से नहीं होती, लेकिन बाकी चीज़ें तो सारी पानी से ही होती है, तो तभी पानी की वजह से दिक्कत। वैसे हमारे यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, पानी दुनिया भर का आया रहता है, लेकिन सब लोग क्या करते हैं खेतों में सब्जी वगैरह बोए रहता है, तो सुबह उठते ही वो सारे पाइप वाइप से खेतों में पानी पहुँचाते हैं, तो इसीलिए फिर नलों में आना नल में थोड़ा कम हो जाता है पानी, कभी तो बंद हो जाता है। फिर जब वो लोग सब लोग हटाते हैं पानी आने को अपने खेतों से, और फिर उसके बाद नलों में फिर अच्छा मतलब पानी आ जाता है। मतलब हमारे जो डेली यूज के लिए जो पानी होता है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा है हमारे लिए, वैसे हमारे वहाँ की इतनी दिक्कत नहीं है पानी की, पर कभी कभार हो जाती है। आज का मौसम तो साफ ही है, आसमान पूरा खाली है, साफ और खास आसमान, और धूप भी बिल्कुल अच्छी सी आई है। नाश्ता बन रहा है, सब्जी तो बना दी है, बस अभी रोटियां बन गई है, मम्मी लोग भी आते होंगे। तो गाइज अभी हमने दिन का खाना वाना भी खा लिया है, मैंने बर्तन वर्तन भी धो दिए है, और अश्मी ने किचन विचन साफ कर दिया है। अभी दिन का सारा काम भी हो ही गया है, अब मैं करती हूँ थोड़ी देर रेस्ट, क्योंकि बहुत थकान लग गई है, सुबह से काम नॉन स्टॉप काम ही करने में थी, और अभी मेरा दिन का सारा काम ख़त्म हो रखा है। अब थोड़ी देर करती हूँ रेस्ट, फिर मिलती हूँ आपको अभी थोड़ी देर में। हाँ चलो, हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। आपका क्यों, मुझे याद ही नहीं है कि आज मदर्स डे। थैंक यू सो मच, वेलकम। इतना बड़ा सरप्राइज, इतना अच्छा गिफ्ट, अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो अभी मदर्स डे का गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करते हैं, इसके अंदर क्या है। ऐसे करके रखा है वो, अभी देखते हैं इसके अंदर क्या है। मतलब ये घर वाला ही बनाया हुआ है ना, तो बहुत प्यारा बना रखा है। दिखा दो इसके अंदर क्या है। इसके अंदर है एक वैसलीन, वैसो केयर मतलब, दूसरा एक मंचो वाली चॉकलेट जो मुझे बहुत पसंद है, और बिंदी खोलो ना इसको, अच्छा कलरफुल वाली, इसके अंदर एक कलरफुल वाली बिंदी है, मुझे कई पसंद आई है बिंदी, और एक नॉर्मल वाली, ये भी मुझे बहुत पसंद आई है। मतलब चारों के चारों चीज़ें बहुत ही मस्त थी। मतलब मुझे अश्मी का दिया हुआ गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा, ये मुझे बहुत पसंद है। मैं इसको खा तो अभी लूँगी, पर मैं इसका रैपर हमेशा संभाल के रखूँगी। फर्स्ट मदर्स डे गिफ्ट ये सब मुझे इतने पसंद आए, बहुत ही ज़्यादा पसंद आए मुझे। थैंक यू सो मच, वेलकम। अभी मेरे शाम के खाने की तैयारी चल रही है, आज मैं बना रही लौकी की सब्जी और रोटी। लौकी मैंने काट के प्रेशर कुकर पे उबाल लिया है, फिर अभी उसको कढ़ाई में छौंकूंगी फिर तेल के साथ, और अभी मैं अब गूंदने वाली हूँ आटा। आटा निकाल दिया है, अभी गूंदती हूँ आटा, फिर उसके बाद रोटी वोटी बनाते हैं। चाय वाय तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पी रखी है। आज यहाँ का मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है, बारिश वारिश हो रही है, दिन से ही बारिश आ रही हो रही थी, अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश शांत हो रखी है, तो फिर बारिश आने के उससे फिर यहाँ लाइट भी चली जाती है, तो इसीलिए मैं टाइम पर खाना ना बना दे रही हूँ। वैसे तो अंधेरा हो ही गया है यहाँ, तो अभी अब फटाफट से खाना ना बनाती हूँ, फिर लाइट चली जाएगी तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। अभी मेरी सब्जी बन रही है लौकी की,
और रोटी भी बनी हुई है। मौसम यहाँ पर काफ़ी ख़राब हो रहा है, अभी ओले भी पड़े थे, मतलब अभी तक लाइट आई हुई है, लाइट गई नहीं है, तो इसलिए फटाफट से रोटी वगैरह बना देती हूँ और सबको खिला भी देती हूँ। फिर उसके बाद से फिर मौसम ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, तो फिर तो लाइट भी नहीं आती है। अब इसके बाद से तो ब्लॉग बनाना मुश्किल ही है, सारा भी परेशान करता है। तो आज का ब्लॉग बस यही था, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं कल, बाय।